श्रोताओं आज का कमेंट लिया है हमने श्रीमान आर के सिंह जी का। इनका कमेंट है, ऐसा कौन सा राजा था जो हाथ से पैदा हुआ। श्रोताओं आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, तभी आपको हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त हो सकता है। तो आइए श्रोताओं अब हम श्रीमान आर के सिंह जी के कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनका कमेंट है, ऐसा कौन सा राजा था जो हाथ से पैदा हुआ। तो श्रोताओं ये कहानी हमने विष्णु पुराण से ली है। इसमें लिखा है मृत्यु की सुनीता नाम वाली एक पुत्री थी। मृत्यु का अर्थात काल की, यम की एक पुत्री थी जिसका नाम सुनीता था। वह अंग को पत्नी रूप में ब्याही गई थी, उसी से बहन का जन्म हुआ। अर्थात अंग और सुनीता जो मृत्यु की पुत्री थी उससे बैन राजा का जन्म हुआ। वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने माता मह अर्थात नाना जी के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट था, इसलिए श्रोताओं वह स्वयं को ही ईश्वर मानता था और वह लोगों से कहता आप मेरे ही नाम से यज्ञ हवन सब कुछ मेरे नाम से ही करो, क्योंकि मैं सभी से बढ़कर हूं। अब जब ये स्थिति ऋषियों ने देखी तो ऋषियों ने राजा को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन राजा नहीं माना और वो बैन राजा कहने लगा कि मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो वह हरि कहलाने वाला कौन है। ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र वायु यम सूर्य अग्नि वरुण धाता उषा पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता साप और कृपा करने में समर्थ हैं वे सभी मेरे शरीर के अंदर निवास करते हैं। इस प्रकार से ये राजा सर्वदेव में है, इसलिए हे ब्राह्मणों जैसा मैं कहता हूं आपको मेरी आज्ञा माननी चाहिए और मैं कहूं जैसा ही करना चाहिए। श्रोताओं ऋषियों के बार बार समझाने पर भी वह राजा नहीं माना, और जब वह राजा नहीं माना तो ऋषियों ने उस राजा को समाप्त कर दिया, मार दिया, राजा बैन को मार दिया। अब तो श्रोताओं जैसे ही वहां के गरीब लोगों को पता चला कि राजा को मार दिया गया है तो उन्होंने लूटपाट करना शुरू कर दिया। राज्य में चारों ओर हाहाकार मचने लगा। जब मुनियों को इस बात का पता चला तो मुनियों ने उस जो राजा बैन था उस राजा की जंगा का पुत्र के लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। जंगा मतलब जांग का। उसकी जंगा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जल के ठूंठ के समान काला अर्थात जला हुआ ठूंठ होता है ऐसा काला था, अत्यंत बौना नाटा छोटा था, छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा मैं क्या करूं,
उन्होंने कहा निषीद, निषीद का अर्थ होता है बैठना, कि बैठ जाओ। अतः वह निषाद कहलाया। जो पुरुष उस राजा बैन की जंगा के मथने से हुआ वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप पारायण निषाद गण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा बैन का संपूर्ण पाप निकल गया। अर्थात श्रोताओं, राजा बैन ने जो पाप किए थे वो पुरुष हुआ उसके माध्यम से सभी पाप उनके निकल गए। इसलिए निषाद गण बैन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों और ऋषियों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी बैनु सुवन पृथ्वी प्रकट हुए। अर्थात उसके बाद उन्होंने, जो ऋषि मुनि ब्राह्मण थे, सभी ने हाथ का मंथन किया और हाथ से पृथ्वी प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान थे। इसी समय आजगब नामक सर्वप्रथम धनुष और दिव्य बाण तथा कवच, ये चीजें आकाश से गिरी। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सतपुत्र के ही जन्म लेने से बैन भी स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार एक महात्मा पुत्र के कारण ही वह राजा नरक से बच पाया। श्रोताओं, महाराज पृथ्वी के अभिषेक के लिए अब जो राजा बैन था उसका पुत्र हाथ से जो मंथन करके हुआ था पृथ्वी, उसके अभिषेक के लिए सभी नदियां सभी प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। नदियां और रत्न, सभी नदियां थी वो जल और रत्न लेकर उपस्थित हुई। उस समय अंगरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज बैन पुत्र का राज्य अभिषेक किया। श्रोताओं, तो अब हम श्रीमान आर के सिंह की कमेंट पर आते हैं। ऐसा कौन सा राजा था जो हाथ से पैदा हुआ? हाथ से पैदा होने वाला और कोई नहीं बल्कि राजा बैन का पुत्र पृथ्वी था। श्रोताओं, इस प्रकार से हमारे श्रोता आर के सिंह का जवाब लग चुका है। अब हम आपसे लेते हैं विदा। बोलो जय श्री राम।